बहुत खतरनाक ड्रामे चल रहे हैं गेट इंडस्ट्री में और स्टूडेंट्स भी खूब मजे ले रहे हैं। सर हमारे रॉकी भैया आ गए हैं, अब देखना सर गरुड़ा का सर धड़ से अलग कर देंगे रॉकी भैया। श्री कृष्ण आ चुके हैं, हमारे सारथी आ चुके हैं, अर्जुन आ चुके हैं और क्या आ चुके हैं सर, श्री राम आ चुके हैं, अब सारी गंदगी साफ हो जाएगी। कब सुधरोगे, कब समझोगे स्टूडेंट कम्युनिटी? ये नया नहीं है, ये पुराना है, ये प्रीवियस ईयर भी इन्होंने बहुत ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी की थी, क्योंकि गणित बड़ा साफ है, जितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी उतनी ज्यादा मार्केटिंग, जितनी ज्यादा मार्केटिंग उतना ज्यादा कोर्स सेलिंग। इसमें होगा क्या, इसमें उनका बेनिफिट तो पूरा है बट आपका कोई बेनिफिट नहीं है। आप मजे लोगे, आप मीम्स बनाओगे, आप ग्रुप्स में लड़ाई करोगे एक दूसरे से, आप दोस्तों को कॉल पर बात करके कहोगे तुमने वो वीडियो देखा क्या, फिर उस पर डिबेट चलेगी, उन्होंने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर तीसरे ने ये कहा, फिर ये देखो ये टीचर इसके बारे में क्या कह रहा है, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग देखो, इसके व्हाट्सएप चैट्स देखो, इसी में उलझे रहोगे और ये 4 महीने ऐसे बीत जाएंगे जैसे फिर बाद में आप रिग्रेट करोगे कि सर जी अब समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी में करूं क्या। तो आपको ये चेतावनी मैं पहले से दे रहा हूं, फिर ये मत कहना कि सर किसी ने मेरे को चेताया नहीं, किसी ने मेरे को बताया नहीं कि ये सारी चीज में उलझ करके पढ़ाई का बर्बादी हो जाता है, करियर बर्बाद हो जाता है। ये नया नहीं है, वापस से कह रहा हूं, वापस से कह रहा हूं, दैट टीचर और गुरु में फर्क है। एक अच्छा टीचर वो है जो अच्छे कंसेप्ट पढ़ाता है और एक अच्छा गुरु वो है जो आपको अच्छा इंसान बनाता है। कुछ टीचर ऐसे हैं जो अच्छे इंसान नहीं है, उनको गुरु मत बनाओ, दिल को दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, मेंटल प्रॉब्लम होगा और कुछ नहीं होगा। ये प्रीवियस ईयर भी हो चुका है, अब भी होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इसी लूप में फंसते रहोगे और फिर बाद में रिग्रेट करोगे। अच्छा गुरु वही है जो आपको सही गलत का फर्क बताता है और वो खुद सही चीजें करता है, वो पैसों के लिए बिकता नहीं है, वो गलत का साथ नहीं देता है, वही तो अच्छा इंसान है। अब ये मत कहना कि सर कुछ टीचर की मजबूरी है, पैसों के लिए उनको करना पड़ता है सर, तो फिर तो जो चोरी करता है उसकी भी तो मजबूरी है, घर पे रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो वो चोरी करके लाता है। कोई मर्डर कर रहा है उसकी भी तो मजबूरी है, घर पे माँ को अगर कैंसर है, इलाज के लिए पैसे चाहिए तो वो मर्डर करके पैसे इकट्ठा कर रहा है। अब अगर आप ये कहो कि सर चोरी करना मर्डर करना गलत है, तो फिर पैसों के लिए बिकना भी गलत है, जो पैसों के लिए टीचर बने हैं वो भी गलत है। माना कि उनके कंसेप्ट अच्छे हैं, माना कि वो इंडस्ट्री में काफी साल से है, बट वो गलत है, वो पैसों के लिए ही सिर्फ पढ़ा रहे हैं, गलत है वो, ये समझो। और आप मजे मत लो इन सब चीजों में, आपको बस पता होना चाहिए कि मेरा करियर इंपॉर्टेंट है फॉर नाउ, मजे हम गेट एग्जाम के बाद भी ले सकते हैं अगर लेना हो तो, अभी नहीं, अभी पढ़ाई पर फोकस करो, समझो ये समय गया वापस नहीं आएगा, पैसे गए पैसे कमा सकते हो, रिलेशनशिप टूटा तो वापस बना सकते हो, ये समय गया। अब ये मत कहना सर वापस प्रिपरेशन कर लेंगे, बट वो पीएससी वाले कहेंगे अपर एज लिमिट इतनी है जनरल वालों के लिए, अब अगर एज ऊपर चली गई तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, फिर मत कहना कि सर कोई पीएससी हमें कंसीडर ही नहीं कर रहा है। लर्न फ्रॉम द अदर पीपल मिस्टेक, लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स थे उनसे पूछो कि क्या क्या हुआ था, उनसे समझो कि कैसे प्रिपरेशन गड़बड़ हो जाती है, उनसे समझो कि कैसे उनका प्रिपरेशन हैम्पर हुआ, उनको मेंटल इशू हुआ, कईयों ने तो प्रिपरेशन छोड़ दिया ऐसे सब सिचुएशन से, क्योंकि किसी को तो गुरु मान लिया था उन्होंने, और मान लिया और अगर वो ऐसे बिक गए पैसों के लिए, अगर उन्होंने कुछ ऐसे गलत बात बोल दी, कोई टीचर गालियां तक देते ऐसे वीडियोस तक है, वो टीचर कैसे हो सकता है जो पब्लिक डोमेन में आकर के गालियां दे रहे हैं, कोई टीचर का बुराई कर रहे हैं, ऐसे कोई टीचर होते भला? टीचर का काम है पढ़ाना, टीचर का काम है आपको सही रास्ता दिखाना, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करना, है ना, आपको अगर कुछ तकलीफ है तो उसका सलूशन देना, आपकी मदद करना, ये सब थोड़ी ना काम है कंट्रोवर्सी करते बैठना। एंड लर्न फ्रॉम दी टीचर विच सूट्स यू, सब कहेंगे हम लेजेंड है, हम लेजेंड है, हमको देखो हमको देखो, हमको इतने साल का एक्सपीरियंस, हमने ये किया हमने वो किया। ऑनलाइन दुनिया में काफी फेक रिव्यूज भी होते हैं, ऑनलाइन दुनिया में काफी फेक नंबर्स भी प्रेजेंट किए जाते हैं, इससे बचिए, फेक चीजों से बचिए, और ये आप तभी बच सकते हो जब आप खुद से एनालाइज करते हो, कोई टीचर को देखते हो, उसका टीचिंग स्टाइल आपने देखा, आपको जमता है आप पढ़ाई करो, आपको नहीं जमता है मत पढ़ाई करो, सिंपल सी बात है, है ना। नहीं हमारे दोस्त ने कहा कि ये दुश्मन है, ये दोस्त है, तो दोस्त से पढ़ाई करेंगे दुश्मन से नहीं, ऐसे सब में मत फंसो। विच एवर टीचर सूट्स यू सूट्स यू, बात खत्म, बॉटम खत्म, पीरियड, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये होने वाला है इन सभी कॉम्पिटिशन से, गेट इंडस्ट्री तो खत्म नहीं होगी,
बेस्ट पार्ट ये होगा, जैसे जियो ने रेवोल्यूशन लाया था टेलीकम्युनिकेशन में, जहां पर इंटरनेट फ्री किया था और बहुत सारे लोअर प्राइसेस पर सारी चीज अभी चल रही है, वैसे ही आप गेट कोर्सेस में पाओगे। बहुत सारा फ्री क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत सारे कोर्सेस अफोर्डेबल प्राइस पर रहेंगे, जो मेरा मोटिव पहले से था। इसलिए मैंने एक बैंगलोर एकेडमी थी, उनके ऑफर्स ठुकराए थे। 3 CR का ऑफर प्रीवियस ईयर था, अभी भी वो कॉल करके कहते हैं सर 6 CR का ऑफर ले लो, बट आ जाओ। बट मैंने कहा नहीं, जो अफोर्डेबल प्राइसेस है वही रहेगी और मैं ट्राई करूंगा जितना कम हो सके उतने कम प्राइसेस पर आपको प्रोवाइड की जाए साल के सारे कोर्सेस। तो याद रखना ये चीज कि आपके लिए बेनिफिट ही है, बस आप इन कॉन्ट्रोवर्सी से बचो और प्रिपरेशन पर फोकस करो। यही पूरा का पूरा एक मोटिव था ये वीडियो बनाने का, कि आपको वापस से चेतावनी प्रोवाइड की जाए, क्योंकि जिस हिसाब से मैं वीडियोस की नंबर ऑफ वीडियोस देख रहा हूं, उस पर व्यूअरशिप देख रहा हूं, जिस प्रकार से बच्चे कमेंट किए जा रहे हैं, पक्का यहां पर टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हो क्योंकि आपको मजे आते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज में, तो यार अनसब्सक्राइब कर दो। बट अगर आप मेरे साथ इसलिए जुड़े हो क्योंकि आप सीरियस एस्पिरेंट हो और आपको बढ़िया रैंक लानी है, तो इन बातों को फॉलो करो और आपके सीरियस एस्पिरेंट के जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी यू।